नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देव राइट टू एजुकेशन पे। मैं देवेंद्र जांगरे एक और फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। जैसा कि आप सभी को पता है कि चैनल के ऊपर 9 से लेकर 12th क्लास की जो मैथ की सीरीज़ आ रही है वो कंटिन्यू है। अब हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है 9th 10th के लिए साइंस और 11th 12th के लिए केमिस्ट्री। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल तक भी भेजोगे और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप लोग इस 30 मिनट के वीडियो को बिल्कुल शांतिपूर्वक देखोगे, वीडियो को स्किप मत करना। और आज जो हम सीरीज़ करने वाले 10th क्लास साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 1 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आप सभी के लिए। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल शांतिपूर्वक आराम से देखना, 30 मिनट समय निकाल के 100% गारंटी देता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 किसके अंदर? केमिस्ट्री के अंदर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो मैं आपको माइंड मैप के हिसाब से बताऊंगा, ताकि आप उस चीज़ को बिल्कुल आसानी से मेमोराइज कर सकें। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि जो हम अभी चार्ट बनाएंगे जिसका नाम लेके, वो आपको याद रखना है। जैसे माइंड मैप, माइंड मैप के अंदर हम जो भी चीज़ें अभी यहाँ पर बनाएंगे उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने नोट्स तैयार करने हैं। देखिए, खुद लिखोगे ना तभी ज़्यादा सीखोगे। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले माइंड मैप के अंदर हम बात करेंगे दो चीज़ों की, ठीक है। पहले नंबर पर हम यहाँ लिखेंगे फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, और यहाँ पर लिखेंगे केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आपका पहले भी पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर, और 9th क्लास की यहाँ पर बहुत सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। और जो नहीं भी आती हैं आपको, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बेसिक तरीके से मैं समझाऊंगा, तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। देखिए, अब इसके अंदर आता है माइंड मैप के अंदर, इसके अंदर तीन और ख़ास बातें हैं जो कि हमें याद रखनी है। पहली चीज़ हमें इसके अंदर याद रखनी है वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है। सेकंड नंबर पे हमें याद रखना है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। थर्ड नंबर पे हमें याद रखना है सिंबल, कि सिंबल क्या होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको आती हैं तो आपको इस चैप्टर के अंदर कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। वैलेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी का अगर नहीं पता तो मैं एक बार रिवाइज भी कर देता हूं ताकि आपके लिए आसान हो। तो देखिए, वैलेंसी का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंसी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंसी। तो ये आपका टॉपिक है, मैंने क्लियर कर दिया। होप आपको ये चीज़ आती भी होगी, और अगर नहीं भी आती है तो हमें कमेंट कर ज़रूर बता देना, ताकि इसके रिलेटेड एक बेसिक चीज़ें और भी हम बता सकें। अब इसके बाद में हमें याद रखना है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, ऐसे करके हमारे पास में एटॉमिक नंबर है। उसके बाद में सिंबल, सिंबल यानी कि हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन को किस सिंबल से लिखते हैं, हीलियम को किस सिंबल से लिखते हैं, पोटाशियम को किस से लिखते हैं, सोडियम को किस से लिखते हैं। ये सारे के सारे सिंबल हमें याद होने चाहिए, ताकि रिएक्शंस लिखते समय आपको दिक्कत नहीं हो। अब देखिए, यहाँ पर हम माइंड मैप के अंदर याद रखेंगे जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं वो याद भी रखने हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन या टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसा आपको उचित लगे वो चीज़ याद करो। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन लिख लो या टाइप्स ऑफ रिएक्शन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, बात समझिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो रिएक्शन आती है वो आती है अपने पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड नंबर पर आती है अपने पास में डीकम्पोजिशन
रिएक्शन। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आते हैं अपने पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके बाद में आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके बाद में आती है अपने पास रेडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है आपके लिए ये, और बहुत ही तरीके से समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो अब बात को समझिए, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमें दो पार्ट के अंदर इसको डिवाइड कर लेंगे। पहला पार्ट हमें याद रखना है रेड का, यानी कि रिडक्शन, और दूसरा जो पार्ट है ऑक्स, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। नोट्स बनाते रहिए, और इस वीडियो का जो हम अभी कर रहे हैं वीडियो के अंदर, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ लिख दूंगा, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर है रेडॉक्स रिएक्शन, क्या थी रेडॉक्स रिएक्शन, पाँचवें नंबर की जो रिएक्शन है इसको हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट कौन सा होगा, रिडक्शन, और दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा ऑक्सीडेशन। कैसे याद रखना है, रेडॉक्स से रेड को हटा लेना है, रेड मीन्स रिडक्शन और ऑक्स मीन ऑक्सीडेशन, ये चीज़ हो जाएगी। चीज़ क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद में हमारे पास दो टॉपिक और हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। कौन से हैं दो टॉपिक, देखिए इसके बाद में नंबर सिक्स पे आता है अपने पास में रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। उसके बाद में अपने पास में आता है सेवन नंबर पे रेंसिडिटी, ठीक है, ये टॉपिक आते हैं। इसके अलावा दो रिएक्शन और हैं जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे, अभी बता देता हूँ आपको कौन कौन सी हैं वो। एक तो हमारे पास में यहाँ लिख देता हूँ, आपको विजिबल होगा शायद, चलिए यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद में हमें याद रखनी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरे नंबर पर आती है इसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन। बात को समझना, ये चीज़ें इसी दोनों के अंदर कवर हो जाएंगी, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। कैसे कवर हो जाएंगे, मैं टॉपिक जब कराऊंगा तब आपको समझा दूंगा, लेकिन सबसे पहले अब ये अपने पास में माइंड मैप था। माइंड मैप का जो है हमने देखे कि ये टॉपिक हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। अब क्या करना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि हम आगे टॉपिक करें। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए इसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे अब एक एक रिएक्शन की, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये माइंड मैप था खाली। अपने नोट्स तैयार करते रहना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर और बहुत ही तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज के बारे में, फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, इन दिस प्रोसेस नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, इसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होगा। देखिए रिएक्शन एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ, जैसे कि अपने पास में आइस है, ठीक, और आइस के बाद में जो एरो का निशान लगा वो हाफ लगा हुआ है। अगर एरो लगाते तो हम ऐसे लगाते हैं ना, अब ये एरो क्या लगा हुआ है, हाफ लगा हुआ है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, आइस के बाद में ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा भाई, लिक्विड के अंदर, और लिक्विड से किसके अंदर चेंज हो जाएगा, स्टीम के अंदर। कब चेंज होगा, स्टीम के अंदर जब इसको हम क्या करेंगे, बॉइल करते हैं, ठीक है। तो अब बात को समझिए कि यहाँ से जो दिखाई दे रहा है आपको स्टीम, स्टीम वापस से कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगी, लिक्विड के अंदर, और लिक्विड से वापस किसके अंदर जा सकता है, आइस के अंदर। तो इस जो प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो निशान दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड, और ये जो निशान दिख रहा है आपको इसको हम बोलेंगे बैकवर्ड। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये था अपना फिजिकल चेंज, ये टॉपिक आपका नाइन्थ क्लास में आ चुका है, बस रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि मेमोराइज हो सके वो चीज़ें आपको, क्योंकि लॉकडाउन ने परेशान करके रखा है यार, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद में जो टॉपिक है अपने पास में केमिकल चेंज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या होता है वो चीज़ समझिए,
केमिकल चेंज के अंदर क्या है, देखिए अपने पास में वुड है और वुड से देखो एरो का निशान यहाँ पर कंप्लीट लगा हुआ, मतलब काम पूरा होगा, वापस रिवर्स नहीं होगा इसके अंदर। उसके अंदर क्या था, रिवर्सिबल था, इक्विलिब्रियम प्रोसेस भी उसको हम बोल सकते थे। तो ये चीज़ केमिकल के अंदर देखना, केमिकल चेंज के अंदर किसके अंदर चेंज हो गई, एस के अंदर। अब एस का मतलब क्या होता है, राख होता है। एस का मतलब क्या होता है, राख होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, केमिकल चेंज के अंदर इसके अंदर होगा, इन दिस प्रोसेस न्यू सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए राख से वापस से हम वुड बना सकते हैं क्या, नेवर पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि राख से वापस क्या बना, लकड़ी बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इसी चीज़ के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर स्टडी भी करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा, बहुत ही बारीकी से चीज़ें समझा रहा हूँ भाई। अब देखिए वैलेंसी कर्व उसका आपको नहीं भी पता है तो मेरे को बता दीजिएगा भाई कमेंट करके, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन करते समय हमें क्या देखना है, नेम देखना है कि केमिकल जो रिएक्शन आ रही है वो किस नेम से आ रही है और उसका दूसरा नाम भी क्या होता है। तो एग्जामिनर अलग अलग नाम से पूछ सकता है, ठीक है ना। और आपके भी जैसे एक दो नाम होंगे, जैसे घर पे आपको कुछ बोलते हैं, स्कूल में कुछ बोल सकते हैं, तो वैसे ही रिएक्शन के साथ भी होता है। तो देखिए अब बात करते हैं हम पहले रिएक्शन, सॉरी रिएक्शन से पहले एक एक्सपेरिमेंट है भाई, रिएक्शन से पहले क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, ठीक है। क्या है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का ये तो क्या था, सिंबल, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर वो कितना होता है, 12, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या बताया, स्टार्टिंग का जब पेज ओपन करोगे इसी के अंदर एक्सपेरिमेंट मिलेगा कि मैग्नीशियम की रिबन है 2 सेंटीमीटर की, कितनी, 2 सेंटीमीटर की कोई मैग्नीशियम की रिबन है, 2 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन, और इसके ऊपर कोई परत आई हुई है और वो परत किसकी है, ऑक्साइड की परत है, किसकी परत है, ऑक्साइड की परत आई हुई है। उस परत को हटाने के बाद में, यानी कि उसको रिमूव करने के बाद में इसको हमें जलाना है, और जब इसको हम जलाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा सफ़ेद प्रकाश निकलेगी, यानी कि वाइट लाइट। जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको गॉगल्स पहने रखने हैं, एक्सपेरिमेंट बहुत ही जल्द आप सभी के सामने लेकर आएंगे, और जो बाकी एक्सपेरिमेंट हैं हमने अपलोड कर रखे हैं, आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर, विजिट कीजिए। अब देखिए क्या किया, इसको रिमूव किया, रिमूव किससे करेंगे, रेगमाल का टुकड़ा होता है, खुरदरा होता है, उसको रब कर देंगे तो वो साफ़ हो जाएगी इसके ऊपर जो परत है वो, ठीक है, या फिर किसी कागज़ से साफ कर लीजिए, ठीक है। यानी कि हरियाणा है, हरियाणा के अंदर रब आप कैसे, फिर आपको दे दिए ये लो इसको रब करके दिखाओ तो आप तो लग जाओगे। तो कोई भी तरीका, मतलब याद रखने के तरीके होने चाहिए आपके पास में, ठीक है। अब देखिए इसको साफ़ किया, मैग्नीशियम रिबन को साफ़ करने के बाद जला दिया। अब एक बात बताइए, कोई भी चीज़ जलती है वो किसकी प्रेजेंस में जलती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है। तो देखिए मैग्नीशियम को जलाया हमने किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दिया तो यहाँ पर क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात को समझना, यहाँ पर क्या था, मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हुई, क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बात को समझना, एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगा। अब ये जो आपको मैग्नीशियम दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और ये जो आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है इसको भी हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, क्या बोलेंगे इसको भी, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट रिएक्टेंट मिलेंगे और एक प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट। ये क्या है, प्रोडक्ट, ये क्या था, प्रोडक्ट था। अब यहां से टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कि हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो यहीं से चैप्टर की स्टार्टिंग होगी, बहुत ही बारीकी से आपको समझा रहा हूँ बेटा। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को स्किप मत कर देना, अगर वीडियो को स्किप करोगे तो टॉपिक छूट जाएंगे और टॉपिक छूट गए तो फिर वापस घूमते रहोगे उसके आर पार, ठीक है, घूमना नहीं है, बिल्कुल शांति से देखो, समझ में आएगा। अब देखो, अब इस रिएक्शन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिएक्टेंट रिएक्टेंट और क्या बना, प्रोडक्ट बना। क्योंकि अब मैं आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका बताऊंगा कि हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम रिबन का पता चल गया, देखिए अब देखो
ये एरो दिखाई दे रहा है, इसके बीचों बीच क्या करना है, लाइन खींच लेनी है, स्ट्रेट लाइन। इसमें हमें यहाँ लिखना है LHS और यहाँ हमें लिखना है RHS। LHS यहाँ पर mg कितना है भाई, एक है, और ऑक्सीजन कितना है, दो है भाई। mg एक है लिख दिया, ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं, ठीक है। ऐसे कैसे लिखने हैं, अब यहाँ पर देखेंगे राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितना है, एक है, ऑक्सीजन कितना है, एक है। अब इसको करना है बैलेंस। अब प्रीवियस क्लास में चले जाओ, सिर्फ एक मिनट के लिए, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, यानी कि मास न तो बढ़ता है और न ही घटता है किसी भी रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ मैग्नीशियम एक था, ऑक्सीजन दो था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, कम, यानी कि तो आपके हिसाब से तो क्या हो गया, कम हो गया भाई, हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मास ने क्या बताया था कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। इसको हम बैलेंस करेंगे, देखिए अब यहाँ मैग्नीशियम एक, वहाँ भी एक, ऑक्सीजन यहाँ दो, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, है ना। तो इसको क्या करना है, दो से मल्टीप्लाई करेंगे, दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। लेकिन बहुत से बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, गलती करते हैं। कैसे गलती करेंगे भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख रखा है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो करेंगे सर यहाँ पर दो लगा दो, बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर दो नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, थोड़ी देर पहले वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी कि अगर आपको वैलेंसी का नहीं पता तो थोड़ा सा डाउट क्रिएट होगा, और मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको वैलेंसी का टॉपिक बिल्कुल ही नहीं आता तो कमेंट कर बता देना, मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बना दूंगा जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ऐसे नहीं करना है, तो ये आपको नहीं करना। अब करेंगे क्या, स्टार्टिंग में दो से मल्टीप्लाई कीजिए, स्टार्टिंग में दो से मल्टीप्लाई। अब दो से मल्टीप्लाई करोगे तो दो किसके मल्टीप्लाई में जाएगा, मैग्नीशियम के मल्टीप्लाई में भी जाएगा, और दो किसके मल्टीप्लाई में जाएगा, ऑक्सीजन के मल्टीप्लाई में भी जाएगा। तो इसको दो से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, दो आ गया, और इसको दो से मल्टीप्लाई किया तो ये भी कितना आ गया, दो आ गया। अब सोचोगे सर यहाँ पर तो दो हो गए, यहाँ पर भी दो, वहाँ पर एक हो गया, तो क्या दिक्कत है भाई, इसको भी दो से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये दो किसके साथ में जाएगा, सिर्फ इसके साथ में जाएगा, इसके साथ में नहीं जाएगा, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस का साइन है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, दो। तो रिएक्शन कैसे आ जाएगी, रिएक्शन आ जाएगी 2mg प्लस O2 दैट गिव्स 2MgO। तो ये रिएक्शन अपने पास में कैसी आ गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैसी आ गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस प्रकार से हमें रिएक्शंस को क्या करना है, बैलेंस करना है। आपको मैंने रिएक्टेंट के बारे में बता दिया, आपको मैंने एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दिया, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर सबसे पहली जो रिएक्शन है वो करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जबरदस्त रिएक्शन है, मजा आ जाएगा इस रिएक्शन के अंदर, और इसको जिसने समझ लिया, इस चीज़ को जिसने समझ लिया ना, उसको तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन फटाफट समझ में आ जाएगी, और जिसने नहीं समझा तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान लगा लो यार, इधर काम की चीज़ बता रहा हूँ मैं। देखिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कौन सी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान लगा देना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। क्या बोलेंगे, सिंथेसिस रिएक्शन। क्या नाम होगा इसका दूसरा, सिंथेसिस रिएक्शन। तो आपको ये दोनों नाम याद होने चाहिए, आपको ये दोनों नाम याद होने चाहिए। मान लो कि एग्जामिनर ने ये नहीं पूछ के ये पूछ लिया तो क्या क्वेश्चन करोगे, ये तो हमें करवाया ही नहीं भाई। थोड़ा ध्यान रखो ना, इसका दूसरा नाम भी है सिंथेसिस रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन भी इसको बोला जाता है, तीसरा नाम एडिशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अब बात करते हैं कैसे करनी है इसको। देखिए तो पहले इसकी डेफिनेशन, इन दिस रिएक्शन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। कंबाइन का मतलब क्या होता है, जोड़ना।
और इसका तीसरा नाम भी मैंने क्या बताया था, एडिशन, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो क्या होता है, इन दिस रिएक्शन टू, यानी कि दो भी हो सकते हैं और मोर देन, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, देन टू रिएक्टेंट, क्या कंबाइन होंगे, रिएक्टेंट, याद करो Mg प्लस O2 लिखा था, Mg पे मैंने एरो करके दिखाया था रिएक्टेंट है, O2 क्या है, रिएक्टेंट है, दैट गिव्स के बाद में MgO बना, वो क्या था, प्रोडक्ट था। तो सर इसके अंदर एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलिए एग्जांपल दूसरा लेते हैं। तो इसके अंदर एग्जांपल ले लेंगे हम Na प्लस Cl2, दैट गिव्स क्या है, NaCl, NaCl। अब बात को समझना, Na क्या है, सोडियम, सिंबल है सोडियम का, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है 11, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 11, ठीक है, नाम क्या है इसका, सोडियम। बेटा एक एक चीज़ क्लियर करवा दूंगा, ध्यान से देखोगे तो, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, क्या है, क्लोरीन गैस है, ठीक है, याद रखना एटॉमिक नंबर कितना है 17, एटॉमिक मास 35.5 लेना है, होते तीन है, याद रख लेना, 9th में पढ़ा होगा आपने, इसमें एटॉमिक मास कितना होता है, ओरिजिनल तो होता है 22.95, लेकिन लेते कितना है 23, याद रख लोगे। चलिए इसका डिस्कशन हमें नहीं करना, लेकिन बता रहा हूँ आपको। अब देखो इसने, इसने और इसने, इस रिएक्टेंट ने और इस रिएक्टेंट ने मिलकर क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड। तो क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड, ठीक है, नमक होता है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, बेरीन भी बोला जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। अब पता चल गया Na क्या है, Na क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट है, Na क्या है, रिएक्टेंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ R, और यहाँ भी लिख दिया मैंने R, समझ जाना, और ये यहाँ पर क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया, याद रख लोगे। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, बीचों बीच इसके लाइन खींचो, यहाँ पर लिखो LHS और यहाँ लिखो RHS, आपको लिखने की जरूरत नहीं है रिएक्टेंट और ये, ठीक है, आपको सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूँ भाई, कभी आप ये भी लिख दो, ठीक है ना, सिर्फ याद रखने के लिए बताया। तो Na कितना है, 1 है, Cl2, Cl कितने हैं, 2 हैं। अब यहाँ Na कितना है, 1, और Cl कितना है, 1। सर ऐसे क्यों आया, ऐसे क्यों आया, बेटा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि वैलेंसी नहीं आती तो डाउट क्रिएट होंगे। फॉर्मूले आपको मैं बताता रहूँगा, लेकिन अगर आपको वैलेंसी के बारे में नहीं पता है तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, कॉमेंट कर देना, पूरी वीडियो बना दूंगा बहुत ही अच्छी साधारण लैंग्वेज में, एक एक चीज़ समझा दूंगा, ठीक है। देखो अब यहाँ इसके ऊपर प्लस वन चार्ज है, और इसको कितना चाहिए, वन चाहिए, तब जाके क्या बन गया, NaCl, ठीक है, वो वैलेंसी के अंदर आप बताओगे तब मैं और समझा दूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब Na यहाँ एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ Cl दो है, वहाँ पर कितना है, एक है, सीधी सी बात है, क्या करना पड़ेगा, दो से मल्टीप्लाई, दो से मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, यहाँ कर दूँ क्या, नहीं नहीं नहीं, कहाँ पे, यहाँ पर। तो यहाँ से दो से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके मल्टीप्लाई में भी जाएगा और इसके मल्टीप्लाई में। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे Na लिख रखा है तो N को अलग ले लेंगे ना, A को अलग, Na पूरा ही एक है सोडियम, ठीक है, याद रख लेना। अब ये चीज़ समझो कि इसके मल्टीप्लाई में 2 जाएगा तो सोडियम कितना हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, और इसके मल्टीप्लाई में 2 जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 2 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 हो गई, ये तो 2 है ही, यहाँ पर कितना है, 1। अब याद करो पिछली रिएक्शन कैसे बताई थी, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो रिएक्शन कैसे आ जाएगी, 2Na प्लस Cl2, दैट गिव्स 2NaCl। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, और अगले वीडियो के अंदर आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है कंप्लीट करवा दूंगा। और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि जिसको वैलेंसी का नहीं पता प्लीज़ कमेंट कर देना, पूरा लेक्चर वैलेंसी के ऊपर आपको समझा दूंगा, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे याद रखना है, किसका कितना चार्ज है, सारी चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए अपने फ्रेंड्स के पास में वीडियो को भेज दीजिएगा, ठीक है, जिससे हमें भी खुशी मिलती है, एनर्जी आती है, और फिर से वीडियो लेकर आ जाते हैं आप सभी के लिए। और मैथ की सीरीज चल रही है चैनल के ऊपर, देखते रहना, ठीक है, ओके बाय।